सो हाय गाइस, आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो भाई यहाँ पर आज आपको हम बताएंगे बेस्ट जिगल मूवमेंट, आपको एनिमी के सामने कैसा जिगल मूवमेंट करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं बता दूं कि सारा कुछ जिगल ही मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपका एम जो हेड पर अगर नहीं है तो आपका जिगल का कोई फायदा नहीं होता। तो गाइस एक चीज याद रखना, आपका जो एम है वो हेड पे होना चाहिए, तभी जो गाइस आपका ये जो जिगल है जो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपका जो है काम करेगा। मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको लॉन्ग में क्या जिगल करना चाहिए और क्लोज में क्या जिगल करना चाहिए और मिड में आपको क्या जिगल करना चाहिए। तो आई होप कि गाइस आप ये वाला वीडियो को फुल वॉच करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी लॉन्ग रेंज में, क्लोज रेंज में और मिड रेंज में आप लोगों को क्या तकलीफ होता है, तो गाइस सारा कुछ बताएंगे इस वाले वीडियो पे। तो गाइस वीडियो पे बने रहना और भाई अपने फ्रेंड को साथ भी जरूर शेयर करना। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर शुरू में आता है आपका क्लोज रेंज। तो क्लोज रेंज में आपको फास्ट जिगल करना चाहिए। तो गाइस अगर हम एनिमी के लोकेशन से देखा जाए तो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आता है मिड रेंज। तो मिड रेंज में आपको मिडिल टाइप का ही रेंज में मतलब जिगल करना है कुछ इस तरह से, मतलब ज्यादा फास्ट नहीं, आपको नॉर्मली यहाँ पर जिगल करना है। एनिमी के लोकेशन से अगर देखा जाए तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो गाइस जब आता है लॉन्ग रेंज, तो लॉन्ग रेंज में आपको लॉन्ग जिगल करना है। अगर एनिमी का लोकेशन से बात करें तो आपको लॉन्ग रेंज में कुछ इस तरह से जिगल देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा कैसा जिगल करना चाहिए, किस किस जगह पे किस टाइप का। अब जो आता है भाई यहाँ पर आपका एम कितना मैटर करता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरा एम कितना यहाँ पर हक देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हेडशॉट मतलब वो एनिमी इजिली मार दिया, बट यहाँ पर मेरा एम जो है चेस्ट पे गया और मैं इजिली मर गया। तो मेरे भाई नेक्स्ट अभी आप ये वाला सीन देखो कि हेड मतलब अगर आप हेडशॉट मारते हो तो कितना ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि मैंने लास्ट बुलेट जो मतलब हेड पे लगा और इजिली एनिमी जो है डाउन हो गया। तो भाई देखो हेड अगर मारते हो, देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्राउच किया, खड़े होता हूँ यहाँ पर, तो देखो जस्ट एक ही बुलेट हेड पे लगता और मैं इजिली मतलब इसे डाउन कर देता हूँ। और भाई यहाँ पर मेरा आप हीलिंग भी देख सकते हो कितना 1 HP का हो चुका है। आपने तो देख ही लिया यहाँ पर कि एम ज्यादा बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो गाइस जिगल जो मैंने बताया आपको वो नॉर्मली आपका जो जिगल मैंने बताया वो बहुत ही ज्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर आपका एम सही है तो आपका जिगल भी ये काम आ जाएगा। लेकिन अगर आपका जिगल ही सही है और आपका एम सही नहीं है तो आपको मतलब ये दोनों में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो गाइस आपका जो मैटर करता है आपका एम ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी आपका जो ये मैंने जो जिगल बताया आपको इजीली आपका वर्क हो जाएगा। सो गाइस यही था आज के इस वाले वीडियो पे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो गाइस अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के। और भाई बहुत सारे बंदे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस खोजते हैं तो मैं भाई यही चीज़ लाता हूँ। सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू है। अगर मेरे वीडियो सही लग रहे हैं आप लोगों को तो जल्दी सब्सक्राइब करो, आपको न्यू वीडियो जैसे अपलोड होगा आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो गाइस यही था आज के इस वाले वीडियो में, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।